कौन सा फोन ज्यादा बेटर है? जल जाओ मेरे मुंह में। ये है वीवो V27। और गाइस मुझे काफी ज्यादा कमेंट आ गए हैं वीवो V27 को लेकर कि बीबीडी सेल पर फ्लिपकार्ट की जो सेल आने वाली है बिग बिलियन डे सेल, उसमें इसका क्या प्राइस होने वाला है। और मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया, लेकिन इतने सारे कमेंट्स से लोगों को इतना कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, आपके सारे डाउट्स इसका प्राइस मैं सब बताने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर बात करूँ अभी इसका प्राइस जो मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में चल रहा है या ऑनलाइन में, वो है 30,000 से 31,000 के बीच में आपको ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में मिल जा रहा है। लेकिन बिग बिलियन डे सेल पर इसका प्राइस क्या होने वाला है या कार्ड लगाने के बाद इसका प्राइस कितना कम हो सकता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वीवो की जो बिग बिलियन डे सेल पे बिना कार्ड के आपको जो ये मिल सकता है वो मिल सकता है 28,000, मतलब कि 28 से 29,000 के बीच में या 27-28,000 के बीच में आपको ये इजीली मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल पे। वहीं अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हो, अब उस टाइम जो कार्ड चलता रहेगा उस कार्ड के ऊपर आपको 1,000-1,500 का डिस्काउंट और मिलेगा, मतलब कि ये 25 से 26,000 के बीच में या 27,000 बहुत ज़्यादा, इतने में आपको ये बिग बिलियन डे सेल पे वीवो V27 मिलने वाला है। काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वीवो V27 और वीवो V27 Pro से कि दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको वीवो V27 और 27 Pro में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और वीवो का जो प्रो वर्जन है और नॉन प्रो वर्जन दोनों एग्जैक्ट सेम है, चाहे वो कैमरे में हो, डिजाइन में हो, डिस्प्ले में हो, सब जगह वो सेम है। जहां फर्क है वो सिर्फ प्रोसेसर में। तो 3-4 हज़ार रुपये ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आपको सब कुछ सेम मिल रहा है। हाँ, अगर आपको गेमिंग करना है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तब आप प्रो वर्जन ले सकते हो, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये ज्यादा देकर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रह सकता है। अरे वीवो V27 भी काफी ज्यादा अच्छा है और सेल में दोनों का प्राइस घटेगा। और वीवो V27 का प्राइस बताऊं अगर, वो 30 से 31 हज़ार के बीच में मुझे लगता है आ सकता है, जो कि अभी वीवो V27 का प्राइस है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। जल जाओ मेरे मुंह में। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है। आपको गेमिंग करना है तो आप थोड़ा सा प्रो वर्जन ले सकते हो, नहीं तो ये वीवो V27 में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो बी बिलियन डे सेल में काफी सही रेट में ये फोन आने वाले हैं। बाकी आपको जो लेना है लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कौन सा फोन आप ले रहे हो, वो भी मुझे कमेंट में बताना। और आप अगर कार्ड वगैरह लगाते हो तो आपको काफी सही रेट पे ये फोन मिल सकता है, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल जो है वो इसी सेप्टेम्बर में आने वाली है। बाकी अगर ये फ्लिपकार्ट की सेल में 25-26 हज़ार के बीच में आता है, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकता है, क्योंकि ओप्पो रेनो 10 जो आया है उससे ज्यादा बेटर वीडियो फोटो में मैंने इसको देखा है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन नेक्स्ट लेवल का आपको मिल सकता है। बाकी अगर आपके अभी भी कोई सवाल है मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, और मैं करने वाला हूँ Q&A, जल्दी ही Q&A आने वाला है। आपके सारे कमेंट्स में से मैं कुछ कमेंट लूंगा और उसका रिप्लाई मैं एक वीडियो में दूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो। अभी मिलते हैं किसी और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।